दोस्तों, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुषों ने प्राकृतिक प्रलय कहा है। जब व्यक्ति प्रकृति, जिसे गुणों की साम्यावस्था कहा जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होती है और महत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष, जिसे निर्विकार भी कहा जाता है, दोनों समान होकर रहते हैं। जैसे दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सतगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, अर्थात रजोगुण का उपयोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। इसके बाद परमेश्वर सत्गुण के उत्कर्ष से युक्त होकर श्री विष्णु का स्वरूप धारण करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं और फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त होकर रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीनों गुणों से युक्त होकर भी यह परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। जैसे किसान पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, इन कारणों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला यह तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु या रुद्र नाम धारण करते हैं, अर्थात ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में इन दोनों कारणों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह परमेश्वर की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्गुण प्रधान विष्णु कहलाते हैं। सिर्फ यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक पल कभी भी वियोग नहीं होता है और यह एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ईश्वर की, यानी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी के बारे में। उनकी आयु अपने ही मन से 100 वर्षों की होती है। पुराणों के अनुसार 15 निवेशकों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला। इन 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, जो मनुष्य के दिन रात का ही मान कहलाता है। आपको बता दें कि 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष या 1 मास पूर्ण होता है। इन 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। इन दोनों अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायन होता है। इस प्रकार मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात कहलाता है। दिन को उत्तरायण बोला जाता है और रात को दक्षिणायन। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग आदि कहते हैं। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, जिसमें 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। इसी प्रकार 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग होता है, जिसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। ऐसे ही 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश होते हैं। अंत में 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मा जी के 1 दिन में
बारी बारी से 14 मनु होते हैं और देवता सप्तर्षि इंद्र मनु और मनुपुत्र यह सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और उनका एक ही साथ संहार भी हो जाता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अमुक काल का एक मनवंतर होता है। मनुष्य की वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान 30,67,20,000 वर्षों का बताया गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं, यानी इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इन सब के अंतिम में विद्वानों ने प्रलय का होना बतलाया है, जिसमें भूलोक भूवलोक और स्वर्गलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह सब लोग महरलोक के नीचे आते हैं। इन तीनों लोकों के जल जाने से इतना ताप महरलोक में पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं और तीनों लोग एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। तब ब्रह्मा जी की रात आती है और वह निश्चिंत सोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी के दिन के बराबर ही उनकी रात होती है। रात बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्षों तक उनका जीवन रहता है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष को पर कहा जाता है, उसमें से 50 वर्षों को परार्ध का नाम दिया गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक परार्ध पूरा हो गया है और यह ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।